ये कहानी है गोपीनगर नाम के एक गांव की। यहां अच्छी फसल होती है और लोग आराम से रहते हैं। लेकिन इस गांव के लोगों को केवल अपने काम से मतलब है और वो किसी को कभी कुछ नहीं देते, न किसी की मदद करते हैं। इस गांव में बहुत ही स्वार्थी और मतलबी लोग रहते हैं। फिर एक दिन एक भिखारी बुढ़िया इस गांव में पहुँचती है। वो बुढ़िया भीख मांग कर ही अपना पेट भरती थी। वो गाँव के ही एक आदमी मोहन के यहाँ भीख मांगने जाती है। बेटा, मुझे थोड़ा खाना दे दो, भूख लगी है। भगवान तुम्हारा भला करेगा और तुम्हें खूब पैसा देगा, खूब तरक्की देगा। अरे बुढ़िया, क्यों सुबह सुबह मांगने चली आई? तुझे किसी के यहाँ जाते शर्म ना आती? चलो जाओ यहाँ से। अरे बेटा, कोई तुम्हारी धन दौलत थोड़े मांग रही हूँ, भूखी हूँ बस, इसलिए थोड़ा खाना ही तो मांग रही हूँ। तो खाना कौन सा मुफ्त में आता है बुढ़िया? ऐसा है, सुबह सुबह दिमाग खराब न करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। सुनो अम्मा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं अभी तुम्हें अभी घर से खाना लाकर देती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। अरे तुम भी सुबह सुबह नींद में हो क्या? खामखा उस बुढ़िया को खाना दे दिया, अब वो आए दिन यहाँ मुंह उठा के चली आएगी। तुमने ये सही नहीं किया, जबकि मैं मना भी कर रहा था। अरे आप भी ना बहुत भोले हैं। मैंने उसे कल सुबह का बना हुआ खाना दिया है, वो खाना पूरी तरह खराब हो चुका था और उसमें से बदबू भी आ रही थी। उसे तो फेंकना ही पड़ता, इससे अच्छा इस बुढ़िया को ही दे दिया, अब वो फिर कभी खाना मांगने न आएगी। बहुत बढ़िया, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया है। वैसे तो अब ये बुढ़िया न आएगी, लेकिन आए भी तो या तो इसे भगा देना या ऐसे ही खराब खाना दे देना। हे राम, इस गांव में कैसे निर्दयी लोग हैं, मुझे ऐसा खराब खाना दे दिया है जिसे जानवर भी न खाए। इसमें तो बहुत बुरी बदबू आ रही है और कीड़े भी पड़े हुए हैं। मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, इसे खाकर और बीमार न पड़ जाऊँ। किसी और घर में जाकर देखती हूँ, भगवान की कृपा होगी तो मुझे कुछ खाना दे दो, मैं कल से भूखी हूँ। और हाँ, गंदा खाना मत दो, मैं पहले से ही बीमार हूँ और ज्यादा बीमार हो जाऊंगी। तो तुम सीधे भगवान से ही खाना मांग लो ना, यहाँ क्यों मुंह उठाकर चली आई? भागो यहाँ से, यहाँ पर कोई खाना नहीं है, और वापस लौटकर यहाँ मत आना। बेचारी बुढ़िया को गांव के लोगों से इतनी कम भीख मिलती थी कि उससे उसका पेट नहीं भरता था। वो कभी भूखी तो कभी थोड़ा सा खाकर ही पेड़ के नीचे ही पड़ी रहती। कुछ ही दिनों में वो बीमारी से और ज्यादा कमजोर हो गई। एक दिन ज्यादा गर्मी के कारण बुढ़िया को बहुत तेज प्यास लगती है और वो कमजोरी से उठ भी नहीं पाती कि किसी से जाकर पानी मांग ले। वो वही पेड़ के नीचे पड़ी पानी पानी चिल्लाती रहती है, लेकिन उस गांव के लोग इतने नीच थे कि कोई बुढ़िया को पानी देने भी न आया, और पानी पानी चिल्लाती हुई बुढ़िया वहीं पर मर जाती है। बुढ़िया मरने के बाद गांव वालों से बदला लेने की इच्छा के चलते भयानक चुड़ैल बन जाती है। गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। वो चुड़ैल अक्सर गांव के लोगों को देख जाया करती थी। रात में कभी तेज हंसने तो कभी रोने की आवाजें आया करती। सब लोग परेशान हो गए। तब गांव वालों ने एक सोहन नाम के आदमी को चुड़ैल के पास भेजा, ताकि वो चुड़ैल से बात करके ये पता लगा सके कि बुढ़िया बनी चुड़ैल की इच्छा क्या है और वो क्या लेकर गांव का पीछा छोड़ेगी। अगले दिन सोहन नाम का आदमी उसी पेड़ के पास जाता है ताकि चुड़ैल बनी बुढ़िया से उसकी इच्छा पूछ सके। वो चुड़ैल के पास जाकर उसकी इच्छा पूछता है, लेकिन बुढ़िया तो उस गांव के लोगों से बहुत गुस्सा थी। वो कहती है, तुम जैसे दुष्ट लोगों को मैं कभी भी किसी भी हालत में माफ न करूंगी। तुम लोगों को थोड़ी भी दया न आई, मैं यहाँ पर तड़प तड़प कर मर गई। अब इस गांव को मैंने श्राप दे दिया है, ये गांव श्रापित हो चुका है। अब इस गांव में कोई जिंदा न बचेगा, सब लोग धीरे धीरे एक एक करके मेरी ही तरह तड़प तड़प कर मरेंगे, और शुरुआत में तुझे ही मारकर करती हूँ। ये कहकर बुढ़िया उस आदमी के पास आती है और अपनी शक्ति से उस आदमी को मार देती है। वो आदमी मरकर नीचे गिर पड़ता है और अगले दिन गांव वालों को उसकी लाश मिलती है। उस लाश की बदबू से गांव में महामारी फैल जाती है। गांव के लोग बीमारी से मरने लगते हैं, जो थोड़े बहुत बचे वो भाग गए। इस तरह बुढ़िया ने पूरे गांव को श्रापित करके अपना बदला पूरा कर लिया।